मधुमेह में जो गुणकारी वृक्ष है उसका नाम है बीजक। ये जो वृक्ष है इसको मराठी में ब्यूला बोला जाता है, अंग्रेजी में मलबार किनो बोला जाता है, इसको इंडियन किनो भी बोला जाता है। वनस्पति या दृष्टिया टेरोकार्पस मार्सुपियम नाम से जाना जाता है। ये फैबेसी कुल का पौधा है और ये लगभग 30 मीटर तक बढ़ने वाला वृक्ष प्रजाति है। और इसका जो छाल है, इसका जो बार्क है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका जो गोंद है वो गोंद भी औषधि है, इसके पत्ते भी औषधि है। और ये औषधि जो वृक्ष प्रजाति है इसके बारे में जानकारी हम ले लेते हैं वैद्या मानसी देशपांडे मैम से। मैम, इसके औषधि गुणों के बारे में बातचीत करिए। बीजक इस नाम से जो है वो जाना जाता है। असाना नाम जो है ये भी हमने बीजक के लिए बताया है। और आयुर्वेद जो पुराने ग्रंथ हम मानते हैं कि चरक सुश्रुत को ज़्यादा मानते हैं, वहीं से इसके अलग अलग प्रकार के उपयोगों की शुरुआत की है। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो किया जाता है वो मधुमेह में किया जाता है। आजकल इसके अंदर का जो सार भाग है वो सार भाग हम यूज करते हैं और उसमें से बर्तन बनाए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि उस बर्तन में रात भर पानी भर के रखना है और सुबह उठकर वो पानी जो है वो पीना है, तो ब्लड शुगर जो लेवल है वो लेवल आपकी कम होती है। दूसरा एक उपयोग इसका बताया कि रसायन कर्म। रसायन मतलब क्या है कि शरीर के अंतर्गत जो हमारी 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो इन सब का जो सार भाग बताया, जो एक्सट्रैक्ट भाग बताया है, उसे ओज कहते हैं। और ये ओज अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, हमारी प्रतिरोधक शक्ति जो है वो बढ़ेगी। और उसके लिए ये उपयोग बताया है कि बीजक का सार जो है उस सार को लोहे के पात्र में लेप करते हुए रखना है और उसके बाद उस कल्क का जो है वो दूध या मधु के साथ जो है वो प्रयोग करना है। अगर ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो उसका चूर्ण बना के यानी पाउडर बनाकर घृत यानी घी के साथ, मधु के साथ यानी हनी के साथ, या तो दूध के साथ आप 1 या 2 ग्राम की मात्रा में जो है वो ले सकते हैं, जिससे आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। 7 धातु जो है वो धातु आपकी योग्य रूप से उत्पन्न होगी और ओज भी आपका अच्छा रहेगा। तो आप जो होने वाले अभी अलग प्रकार के डिसीजेस जो हो रहे हैं उनसे हमारा बचाव हो सकता है। जो असन वृक्ष है, जो बीजक वृक्ष है, जो ब्यूला वृक्ष है, ये जो वृक्ष है इसके पत्ते गाय बहुत ही प्यार से खाती है। देसी गोपालन करना है तो ये भी वृक्ष लगाना जरूरी है। ये जो वृक्ष है भारत के पश्चिम घाटी में पाया जाता है। हम चाहते हैं कि ये वृक्ष के बारे में, इसका जो गोंद है वो भी बहुत ही औषधि है, और इसके जो बाकी भाग है, पत्ते है, गोंद है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जी, इसी में से एक गोंद निकलता है जो निरियास कहते हैं, उसको खून खराबा या हीरा इस नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है वो काले रंग का, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है और खाने पर वो दांत में चिपका जाता है। दूसरा एक इसी के तनी का जो भाग होता है उसका दंत धावन के रूप में, यानी पहले के जमाने में जैसे आज हम ब्रश या कोलगेट वगैरह से दांत साफ करते हैं, तो ये दंत धावन के रूप में भी इसका उपयोग जो है वो हमारे सुश्रुत संहिता के अंतर्गत बताया। वैसे ही एक बात और है कि कुष्ठ रोग यानी अलग अलग प्रकार के जो त्वचा विकार हो रहे हैं, उस त्वचा विकार में भी बीजक का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। आभ्यंतर रूप में यानी एक्सटर्नली पाउडर बनाकर ले सकते हैं या फिर उसके कल्क का लेप बनाकर जो है वो भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो वृक्ष है जल्दी बढ़ने वाला है, फास्ट ग्रोइंग ट्री है, और जहाँ पे मिट्टी अच्छा है ऐसे जगह पे इसको लगाना चाहिए। इसका हमें अगर लागत करना है, इसका रोप बनाना है, तो इसके जो बीज है बहुत ही अनोखे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बीज है, ये पकने वाले बीज है, ये पक गए हैं, और ये मैच्योर परिपक्व जो बीज है, ये बीज लेकर अगर पानी में रखते, थोड़े से पानी में रखते, ये इसके विंग्स होते हैं, ये उड़ने के लिए विंग्स होते हैं, ऐसे ये विंग्स और ये पूरा लेके हमें इसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में रात भर रखना है। तो ये जो अंदर वाला भाग है फूक जाता है, और ऐसे जो बीज है हमें मिट्टी में रखने हैं, और मिट्टी में रखने के बाद उसको थोड़ा सा मिट्टी, जितना इसका साइज है उतना ही मिट्टी उसके ऊपर डालना है, और इसके रोप बन जाते हैं। और ये जो रोप है बहुत ही अनोखे होते हैं और फास्ट ग्रोइंग होते हैं, तो एक ही साल में ये 5-6-7 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है। और ये वृक्ष प्रजाति अभी कम होने लगी है क्योंकि इसका भी छाल निकाला जाता है, इसका भी गोंद निकाला जाता है, इसके भी अलग अलग भाग जो है, इसका लकड़ी भी काम में आता है, इसका फायरवुड करके भी यूज होता है, और जानवरों को, जैसे मैंने बोला कि इसके पत्ते खिलाए जाते हैं। ये मल्टीपर्पज ट्री है, जैसे अलग अलग हमारे मल्टीपर्पज ट्री है, ऐसा ये जो है बहुउद्देशीय होने के कारण ये जो वृक्ष है इसका हमें खेती करना जरूरी है, इसका संवर्धन करना जरूरी है। आपने जैसे बोला कि इसका गोंद निकाला जाता है, और इसका भी छाल जो है
फल निकलते वक्त जो डेढ़ बार के वो ऐसा हमें निकलना है, वो बाजू में रखना है, डेढ़ बार हमें वो रिमूव करना है और इतने हमें दबाना है जो हमारे जो चीज़ें होते हैं, जो छाल निकालने की चीज़ें होते वो हमें ठीक से होने जरूरी होते। अगर हम ऐसे काटते प्रार्थना पूर्वक हमें ये जो है चीज़ें उसको निकालना है, उसका हमें ठीक से शाश्वत तरीके से सस्टेनेबल हमें हार्वेस्टिंग करना है, उसको इतना प्रेशर क्रिएट करना है ज़्यादा जख्म भी ना हो, ये तरह से हमें इसका बार्क निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैम ने बोला कि उसका जो कलर है सब ब्राउनिश होता है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है हमें नवंबर से जनवरी तक ही ऐसा बार्क निकाल लें, एक ही बाजू का बार्क निकाल लें, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण वृक्ष है जिसका संवर्धन हमें करना है, हमें दवा भी बनानी है, इसलिए ये जो है ये बार्क निकालने के बाद इसको सुखाया जाता है, मेडिसिन में यूज होता है। तो मैम जो है इसके बारे में महत्व लोगों को बताइए। जी, ये बार्क जो है वो बार्क का और भी उपयोग आधुनिक उसमें किया गया था कि आज जब हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से जल शुद्धिकरण होता है, तो पहले के जमाने में बीजक के बीज जो अभी आपको बताए, ये बीज या तो ये छाल जो है वो छाल से पानी को शुद्ध किया जाता था, इस प्रकार के उल्लेख भी हमें मिलते हैं। हो सकता है कि आगे उस पर अनुसंधान करके हम इसमें से कोई एक निकाल सकते हैं कि जो जल शुद्धिकरणार्थ उपयोगी हो। दूसरे, इस बार्क के अंतर्गत जो है टैनिन रहता है और टैनिन होने की वजह से वो कषाय या तो तुरेला रस होता है, तो टैनिन की वजह से उसका संग्राही कर्म यानी जहाँ पर कभी रक्त अधिक बह रहा है या मल प्रवृत्ति अधिक हो रही होती है तो उसको कम करने के लिए भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। औषधि तो ये वृक्ष प्रजाति है ही है, पर्यावरण के लिए ये वृक्ष प्रजाति बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पानी को शुद्ध करने वाली भी है। हम चाहते हैं कि ये ऐसी वृक्ष प्रजाति हमें इसका जरूर जतन करना जरूरी है, संवर्धन करना जरूरी है, तो आप जरूर ये संवर्धन कार्य में आप शामिल हो जाए किसान भाई, हमारे वनवासी भाई, इसका हम संग्रह ठीक से करें, इसको हम शाश्वत तरीके से इसका संग्रह करें, हमारे जो वैद्य भाई है वो भी आगे आ जाइए इसके संवर्धन कार्य में, इसकी उपयुक्तता मधुमेह में होने के कारण ये जो वृक्ष है हमें इसका संवर्धन करना कॉन्जर्वेशन करना जरूरी है। धन्यवाद मैम।